देखिए नोकिया कुछ दिन पहले 6.1 प्लस लॉन्च किया था, गजब का फोन था। मेरे चैनल पे इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे दिया था। उसके बाद 24th ऑफ सितंबर को नोकिया 5.1 प्लस आ रहा है। अभी एक नया लीक जुड़ गया है नोकिया से, नोकिया 7.1 प्लस। कब ये फोन आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, कब ये लॉन्च होगा, कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, फीचर्स क्या रहेगा और इसमें प्राइस आपको देखने को क्या मिल सकता है, ये सभी चीजें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। नोकिया 6.1 प्लस मैंने यूज किया फोन को, गजब का फोन है, कुछ कॉन्स तो है। अब नोकिया 5.1 प्लस भी आ रहा है, नोकिया यहां पे इंप्रूव कर रहा है, पर अभी नोकिया 7.1 प्लस आ रहा है बहुत जल्द, एटलीस्ट ये लीक्स और र्यूमर आके निकला है और इसका इमेज भी लीक हो गया है। चलिए पहले आपको ये कह देते हैं ये फोन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा भारत में और कहां पे पहली बार ये लॉन्च होगा। नोकिया 7.1 प्लस फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा लंदन पे 4th ऑफ अक्टूबर, उसके बाद 2 महीने के अंदर आपको भारत में भी ये देखने को मिल जाएगा। अब इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस आप मान के चलिए 25,000 के अंदर ही होगा इस फोन का, जो वेरिएंट आएगा 6GB के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस फोन का स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, तरक्की, शायद इसी को ही कहते हैं नोकिया 7.1 प्लस में। अभी तो ये सियोर नहीं है आपको कितना साइज का स्क्रीन मिलेगा, पर जहां से भी सोर्स आ रहा है ये आपको बता दे आपको 6.2 इंचेस या 5.99 इंचेस का स्क्रीन इस फोन में देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऊपर में एक नॉच देखने को मिलेगा, साथ में आपको 2.5D का कर्व ग्लास और उसके साथ 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन सियोर होगा। अगर आप पीछे में देखोगे इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको नोकिया 6.1 प्लस की तरह ही देखने को मिलेगा, यानी कहने का तात्पर्य यह है पीछे में आपको ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा और साइड में एल्युमिनियम फ्रेम। नोकिया 6.1 प्लस काफी हद तक अच्छा डिवाइस है अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में यहां पे बात करूं। और पीछे में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाएगा, एक फिंगरप्रिंट सेंसर और नोकिया के साथ एंड्रॉइड 1 का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर अगर बात करूं रैम एंड रोम की, नोकिया 6.1 प्लस 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पे डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी मिलेगा और आप माइक्रो SD कार्ड का उपयोग भी यहां पे कर सकते हो। अब इस फोन का प्रोसेसर सुनने में यह आ रहा है, इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710, तो यह प्रोसेसर तो काफी गजब का है और जो नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिला था 636 उससे भी बढ़िया है, प्राइस भी बढ़िया है और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 2GHz पर चलेगा तो काफी अच्छा होगा ये प्रोसेसर। अगर मैं यहां पे कैमरास की बात करूं तो ये तो निकल के नहीं आया है कैमरा आपको कौन सा दिया जाएगा, पर ये तो सियोर है आपको इस बार नोकिया 7.1 प्लस में कार्ल जेइस का लेंस देखने को मिल जाएगा। मैं लुमिया फोन्स यूज करता हूं और उसमें मुझे कार्ल जेइस लेंस देखने को मिल गया था, काफी आप भी जानते हो गजब का इसका डेप्थ फील्ड है, गजब का इसका जो कलर्स होता है, सॉफ्टनेस होता है, डिटेल्स गजब का होता है, ये बहुत ही अच्छा है। और इस फोन में आपको जो सेकेंडरी कैमरा मिलेगा वो टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, जो मी A1 पे आपको देखने को मिल गया था। मैं यूज करता हूं, मैं जानता हूं टेलीफोटो लेंस भाई कैसे काम करता है, तो आप ये निश्चित रहिए कैमरा क्वालिटी इसका गजब का होगा और सामने भी आपको कैमरा मिल जाएगा, पर कितना मिलेगा ये अभी तक सियोर नहीं है, पर यह कहा जा रहा है शायद 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, पर यह र्यूमर्स है। और इसका बैटरी नोकिया 7 पे हमें मिल गया था 4000mAh का बैटरी, आप मान के चलिए नोकिया 7.1 प्लस में भी आपको 4000mAh का बैटरी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, साथ में USB टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी सराउंड साउंड इस फोन में आपको देखने को जरूर मिलेगा और हां 3.5mm जैक आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ओडियो 8.1 का सपोर्ट, साथ में एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ ये आ रहा है, यानी आपको 2 साल के लिए
एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एंड्रॉइड पी भी यानी पाई बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ये था कुछ छोटा मोटा इस फोन के बारे में स्पेसिफिकेशंस। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर ये सही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।